हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हम नॉर्मल चीज़ें तो अच्छे से क्लियर रहती है हमारी, लेकिन कई चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन किससे निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से कि जल से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा किससे, जल से, H2O से जो है ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ की जाती है, तो एक प्रदूषित गैस नहीं है। बस कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस के लिए देखा गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कारक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ही पृथ्वी का टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये वायु को प्रदूषित करने वाली गैस है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? तो दोस्तों, सूक्ष्म पोषक मतलब एक तरह से देखा जाए जो हरे पौधे होते हैं उसमें 17 पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, 17 पोषक तत्व की ज़रूरत इन्हें होती है, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व देखा जाए तो ये 6 होते हैं, जिसमें से एक होता है बोरान, बाकी जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम जैसे और भी तत्व हैं जो मतलब हरे पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व 6 होते हैं, जिसमें एक है बोरॉन, और 17 ऐसे होते हैं जो मतलब टोटल 6 को मिलाकर के 17 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को ज़रूरत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं पौधे जो फोटोसिंथेसिस के रूप में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बनता है उत्पाद के रूप में, और यही हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं पौधों से। ठीक है, और ये क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का काम करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह क्या होता है, ग्लूकोज होता है, याद रखिएगा। बाकी स्टार्च जो है ये क्या होता है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है, लेकिन ग्लूकोज जो है ये कि स्टार्च क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में ही टाइलिन एक एंजाइम होता है जिससे टूट करके वापस अंदर जाता है, हमारे बॉडी में जाता है। बाकी पाचन की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन बस इतना याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रकाश जो मतलब जो सनलाइट है वो तो ग्रहण करता है फोटोसिंथेसिस के रूप में, पेड़ पौधे उसे लेते हैं, लेकिन बाद में क्या बनाते हैं, आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज बनता है, जल बनता है, ऑक्सीजन बनता है, तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आगे बढ़ते हैं। पौधे रात में ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होती है, दिन में या रात में? तो ये कब होती है, दिन में। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है। सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोनों ही ऐसे तत्व हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो अधूरी रह जाती है। ठीक है, तो पौधे रात में ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं? अगर दिन में फोटोसिंथेसिस से एनर्जी प्राप्त हो रही है तो रात में किस प्रोसेस से एनर्जी प्राप्त करते हैं, श्वसन से प्राप्त करते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, श्वसन से ही ये क्या करते हैं, रात में एनर्जी प्राप्त करते हैं। और ये कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो इनका अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही इनमें स्टोर होता है, तो रात में क्या करते हैं, यही कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करके ये ऑक्सीजन से के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और इससे ही इन्हें क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होता है। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस दिन में चलती है वही रात में अपोजिट हो जाती है, तो जिससे क्या होता है कि पौधे रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इसी वजह से रात में कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो रात के समय में भी हमें ऑक्सीजन देता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा पेड़ है, वो है पीपल। याद रखिएगा, पीपल ऐसा पेड़ है जो दिन और रात दोनों में ही हमें ऑक्सीजन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है?
तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जड़ में होता है, पत्ती में होता है, फल में होता है, तना में होता है। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में। तो प्रकाश संश्लेषण भी किस में होगा? पत्तियों में होगा। याद रखिएगा कि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। और पत्तियों में किस लिए, कैसे पता चलता है दोस्तों? कि इसके हरे रंग के कारण, ठीक है। हरे रंग का जो प्रमुख कारण है वो क्लोरोफिल ही है, इसलिए पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधों में कुल कितने पोषक तत्व जरूरी होते हैं? तो हमने डिस्कस किया था कि जो 6 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनको मिला करके को टोटल 17 ऐसे तो पोषक तत्व हैं जो हरे पौधों को जरूरी होते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं हम लोगों को जो है 6 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, एज लाइक मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, और वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सभी मिला करके 6, टोटल 6 मुख्य ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें ज़रूरी होते हैं। इसी तरह से पौधों में 17 पोषक तत्व ऐसे हैं जो ज़रूरी होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों की वृद्धि में आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों पौधों की वृद्धि में कौन से तत्व ऐसा है जो आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोडियम। याद रखिएगा, सोडियम ऐसा तत्व है, ऐसा खनिज है जिसका प्रयोग पौधों की वृद्धि में नहीं होता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जो पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब जिससे पौधे बढ़ते हैं, वो कौन सा हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है जिससे पौधे बढ़ते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है पौधों में, जिसकी वजह से उनकी जो कहना चाहिए लंबाई है वो बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल में दोस्तों कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैग्नीशियम। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन भी क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य तत्व है वो है मैग्नीशियम, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से रंगों को पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो सनलाइट होता है उसे श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है, व्हाइट लाइट कहा जाता है। और जब इसका सिंथेसिस किया जाता है तो क्या होता है? 7 रंग हमें निकल कर प्राप्त होते हैं। तो जिसमें से 3 रंग ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस में ग्रहण किए जाते हैं, बाकी सभी क्या कर दिए जाते हैं? अवशोषित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें से नीला, लाल और बैंगनी रंग ऐसे हैं जो अवशोषित किए जाते हैं। और इससे रिलेटेड एक और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसमें 2 टॉपिक आपसे बनते हैं कि सबसे पहला ये है कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब जो प्रोसेस है वो फास्ट किस में रहती है? तो वो होती है लाल रंग में। याद रखिएगा, लाल रंग में फोटोसिंथेसिस फास्ट रहती है और सबसे कम होती है बैंगनी रंग में, याद रखिएगा, ठीक है। बैंगनी रंग में सबसे कम और लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल वैसे कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? एक होता है क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। तो दोस्तों यहाँ पर जो रासायनिक सूत्र दिया हुआ है वो किसका रासायनिक सूत्र है? ये रासायनिक सूत्र है क्लोरोफिल ए का, ठीक है। क्या है? C55H72O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र है। और अगर क्लोरोफिल बी का रासायनिक सूत्र देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो कार्बन 55 और हाइड्रोजन जो है ये है हो जाएगा 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 70 हो जाते हैं, हाइड्रोजन के 70 अणु हो जाते हैं और ऑक्सीजन के कितने? 6 अणु हो जाते हैं। ये होता है क्लोरोफिल बी का रासायनिक सूत्र, तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल तथा खनिज का संवहन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जानते हैं कि जल तथा खनिज कहाँ से मिलता है? जड़ों से मिलता है। जड़ से क्या करते हैं कि पौध जल और खनिज को ग्रहण करते हैं मिट्टी से, ठीक है। और यही मिट्टी से क्या होता है कि जल तथा खनिज पत्तियों तक जाते हैं और इन्हें पहुँचाने का काम कौन करता है? जाइलम। जल से देखिए दोस्तों, जल और जाइलम ये दोनों एक जैसा मैच हो रहा है, तो जाइलम याद रखिएगा कि जल तथा खनिज पहुंचाने का काम पत्तियों तक कौन करता है? जाइलम करता है। फिर इन्हीं जल और खनिज का प्रयोग कर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और जिससे बनता है कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह बना है ये वापस जड़ों तक किसकी मदद से जाता है?
तो ये जाता है फ्लोएम की मदद से। तो फ्लोएम को हम कैसे याद रख सकते हैं, फूड। फूड कैसे जाता है, फ्लोएम की मदद से जाता है जड़ों तक, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों एक गैस होती है जैसे ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं वायुमंडल में। फिर एक दूसरा होता है जल। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो नमी है ना, पेड़ों से ही नमी वायुमंडल में जाती है। तो ये जल जो अवशोषित करते हैं ये उसी की मदद से ही जाते हैं। तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे, और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट को हम पौधों के जो हरी सब्जियां हैं इनके मदद से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं। 6CO2 + 12H2O इक्वल टू क्या होगा, तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा C6H12O6, 6H2O, 6O2। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो वैल्यू है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा भी मतलब मिस्टेक करेंगे तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं, किसी में सिक्स इंक्लूड नहीं है, किसी में इंक्लूड है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होते हैं बहुत ज़रूरी होता है। तो याद रखिएगा 6CO2 + 12H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिल करके सूर्य सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये मत भूलिएगा कि बिना सनलाइट और क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के 12 अणु मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जल बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और रात्रि के समय दोस्तों यही प्रोसेस अपोजिट हो जाती है। ये भी याद रखिएगा कि जो श्वसन की प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि रात के समय में जो इसका फॉर्मूला बनेगा ये होगा, क्या होगा, 6C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस जल के 6 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु मिल करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो याद रखिएगा रात्रि के समय यही प्रोसेस अपोजिट हो जाती है और जिससे पेड़ पौधों को एनर्जी मिलती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है सबसे ज़्यादा किस रंग में पाई जाती है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच।